घोसी कोतवाली क्षेत्र के मखदूमपुर मलिक गांव में शनिवार रविवार की दरमियानी रात हौसला बुलंद चोरों ने पीएससी के जवान के घर लाखों के जेवरात सहित 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। बता दें कि घोसी कोतवाली क्षेत्र के मखदूमपुर मलिक गांव निवासी व 36वीं बटालियन पीएससी वाराणसी में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत बसंत चौहान के घर हौसला बुलंद चोरों ने घर के बाहरी हिस्से से छत पर चढ़ गए और सीढ़ी के रास्ते घर में घुसकर कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़कर अटैची लेकर फरार हो गए। उक्त चोरी की जानकारी परिवार वालों को रात्रि में हुई, जब बसंत चौहान का पोता रात्रि में लगभग 1 बजे पेशाब करने उठा तो कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर से दरवाजा बंद मिला। वहीं इसकी जानकारी उसने अपनी दादी को दी। वहीं बसंत चौहान के पुत्र अभिमन्यु चौहान ने इसकी जानकारी डायल 112 को दी। सूचना पाकर मौके पर डायल 112 सहित कोतवाली प्रभारी कुमुद शेखर सिंह अपने हमराइयों के साथ मौके पर पहुंच जांच पड़ताल किया। वहीं रविवार की सुबह जनपद से डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुटी रही। वहीं रविवार की सुबह लगभग 10:30 बजे गांव के ही बच्चे अपनी बकरी चराने हेतु खेतों में गए तो वहां चोरी की गई अटैची व कागजात सहित कपड़े बरामद हुए। इसकी सूचना बसंत चौहान के पुत्र अभिमन्यु चौहान ने घोसी कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पता चला जेवरात व नकदी अटैची से गायब। क्या नाम है? अभिमन्यु चौहान। ये आपके घर चोरी हुई है जी? तो लगभग कितने का सामान है? ये तकरीबन 10 लाख के आसपास। पुलिस आई थी मौके? जी, मौके पे पुलिस आई थी। क्या कार्रवाई क्या थी? कार्रवाई मौके पे सारा सब देखी, डॉग स्क्वाड भी आए थे और फिंगरप्रिंट वाले लोग भी आए थे जी। उन्होंने अपनी सारी जाँचें की, देखी, उसके बाद जो निष्कर्ष होगा वो बाद में बताने के लिए गए हैं, बाद में हम लोग बताएंगे। आपकी तरफ से तहरीर कोई? अभी तरफ मेरी तरफ से बस कोतवाल साहब को तहरीर दी गई है कि जो नकदी और जो जेवरात लिए गए हैं उन्हीं के बारे में जानकारी दी गई है। कितने बजे घटना लगभग? लगभग 1 बजे की घटना है। जब हम लोग सो के उठे तो उस टाइम 1 बज रहा था रात में। कैसे आपको पता है? मेरा छोटा बेटा है, वो जब पेशाब करने के लिए बाहर निकला तो हम लोग देखे कि बाहर से हमारा दरवाजा बंद है, तो उसने अपनी दादी को जगाया तो दादी बोल रही है कि दरवाजा हमने बंद नहीं किया है। फिर जब बाहर हम लोग निकले दरवाजा खोल के तो देख रहे हैं सारा घर में सवा सब चोरी हुआ हुआ है। तो आपने तुरंत मौके पर सूचना दी? जी, मौके पर तुरंत हमने सूचना दी पुलिस को। कौन आई थी पुलिस? वो 100 नंबर भी आई थी और दरोगा साहब भी आए थे थाने के।